नमस्ते फ्रेंड्स, टमी किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं मानिनी। आज हम बनाने जा रहे हैं लंच फॉर बेबी। इसके लिए हमें चाहिए, यहां पे एक छोटा सा बाउल में 2 चम्मच राइस, 1/2 चम्मच मसूर का दाल, 1/2 चम्मच तूर का दाल, ये 3 इंग्रेडिएंट्स लिया हुआ है। ये जो स्पून है, ये हॉर्लिक्स के पैकेट में रहता है, उसी स्पून के नाप से ही मैं यहाँ पे राइस और दाल ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा राइस दाल कम ज़्यादा कर सकते हो। और वेजिटेबल लेंगे, पपाया, गाजर, टमाटो एंड आलू, छोटे छोटे काट के वॉश करके देने से प्रेशर कुकर में डाल लें। जनरली हम बच्चे को 6 महीने के बाद ही राइस खिलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं तो बच्चे को पहले रेडी करना पड़ता है कि हाँ ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट करें, तो उसमें 1-2 महीना लग जाता है। आप इसे चाहो तो 7th या 8th मंथ से ये लंच जो है ये प्रॉपर तरीके से बना के खिलाएं। और इसमें हम ऐड करेंगे पानी, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम ले, बच्चे जितना टाइम ले पा रहे और जितना जल्दी उसे डाइजेस्ट करना चालू करें उस हिसाब से उसे आप ये फूड दें। देन हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी एंड नमक और इसे कवर करके गैस में चढ़ा देंगे। लो फ्लेम में इसे पकाएं और 1 व्हिसल तक पकाएं। 1 व्हिसल हो जाने के बाद बेबी का जो लंच है वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसे आप स्मैश्ड करके भी खिला सकते हो, और अगर बेबी स्मैश्ड फूड खा नहीं पा रहा है तो उसे आप ग्राइंड करके खिला सकते हो। बड़े बोलते हैं कि अगर बच्चा ग्राइंड खाता है, ग्राइंड वाला खाना खाता है, तो बड़े होके वो चबा के खाएगा नहीं। ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि मेरा खुद का ही बच्चा 1.5 साल तक ग्राइंड फूड खाया है, उसके बाद जाके उसने धीरे धीरे स्मैश्ड फूड खाया है। हाँ, उसके लिए आपको ही कोशिश करना होगा, लेकिन बड़े ऐसे बोलते हैं तो जो फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं कि सही में बच्चा खाएगा नहीं, और उसे हम फोर्सफुली खिलाते रहते हैं, जो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए आप बिल्कुल ही टेंशन मत लें, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा ग्राइंड फूड खाता था तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करी हूँ इस चीज़ को लेके, मेंटली, फिजिकली, हर चारों तरफ से ही। तो इसी वजह से इस चीज़ को आप टेंशन ना लें। ग्राइंड खाते तो ग्राइंड खिलाएं और उसके बाद धीरे धीरे उसे स्मैश्ड फूड खिलाएं। हाँ, एक बात हो सकता है कि वो जितना अमाउंट ग्राइंड फूड खाता है उतना अमाउंट वो स्मैश्ड फूड नहीं खाएगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वो उस अमाउंट तक पहुंच जाएगा। उसे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और आप भी उस चीज़ को समझ के, सोच के ये काम करें। सारे नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे हैवी नहीं है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ हैवी लग रहा है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो, और कोई भी चीज़ आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, लेकिन एज के बेबी फूड है इस वजह से इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करी हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और डाइजेस्टिव भी है, क्योंकि इसमें मैंने पपाया डाला है, तो ये डाइजेस्टिव भी है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, तो ये आप बेबी को लंच के लिए दे सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक नमस्ते।